अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बंग कैनाल हेड पर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत हेड है और एक तारीखी हेड है, तो सोचा कि आज आपको इसका विज़िट कराएं। तो मेरे साथ मंगला के यूट्यूबर आतिफ भाई भी मौजूद हैं, तो इनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके इनका चैनल विज़िट करके उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको ये हेड कैसा लगा। जी आतिफ भाई, बहुत अच्छा लगा है जी। दूसरा मेरा यूट्यूबर है, जितने भी ब्लॉगर हैं या वीडियो क्रिएटर हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप मंगला या खड़ी शरीफ या मीरपुर आते हैं विज़िट करने के लिए तो इस जगह पे भी लाजमी आएँ। ये खड़ी शरीफ जाएँ तो रास्ते में आती है, बहुत ही प्यारी जगह, आप भी इसका विज़िट करें। अगर आप खड़ी शरीफ जाते हैं तो ये बिल्कुल रास्ते में ही है, तो आप एक दफ़ा यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिए। तो चलिए और इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों आप ये ख़ूबसूरत नहर देख सकते हैं। मंगला डैम जब बनाया गया तो इसके बनाने का मकसद इरिगेशन यानी कि आबपाशी था। चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है तो इस वजह से यहाँ पर पानी की ज़रूरत हर वक्त रहती है। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले तरबेला डैम और फिर मंगला डैम बनाया गया। मंगला डैम से पानी जब आता है पावर हाउस के अंदर, तो वहाँ पर बिजली बनाने के बाद इसको नहर की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये नहर 1913 में इस पर काम शुरू हुआ और 1916 में यानी कि 3 साल के अरसा में यह नहर मुकम्मल हुई। और ये नहर एक ब्रिटिश इंजीनियर सर जॉन बैटन ने डिज़ाइन किया था और बेसिकली ये आबपाशी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये नहर बनाई गई थी। इस नहर में 1.8 यानी 1.8 मिलियन एकड़ फीट ज़मीन को सैराब करने की सलाहियत है। और ये नहर मंगला डैम से शुरू होती है जो कि गुजरात मंडी बहाउद्दीन से गुजरते हुए हानकी बैराज के मुकाम पर दरियाए चेनाब में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये खूबसूरत नहर देख सकते हैं। इसके ऊपर ये खूबसूरत हेड बनाया हुआ है जो कि बंग हेड कैनाल के नाम से मशहूर है। ये एक तारीखी हेड है और पंजाब महकमा नहर पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन इसकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये काफ़ी हस्ताहारी का शिकार है। तो ये एक कौमी असासा भी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी देखभाल आजकल नहीं हो रही और ये बहुत ज़्यादा हस्ताहारी का शिकार है। ये इस हेड का ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी जो रोड है वो भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। अभी तक यहाँ से जो खड़ी शरीफ की तरफ मंगला से खड़ी शरीफ जाते हैं तो गाड़ियाँ अभी तक यहीं से गुजरती थी और ये नहायत ही छोटा पुल था। एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी ही यहाँ से गुजर सकती थी। तो अभी यहाँ पर कुछ अरसा हो गया है, यहाँ पर एक नया पुल इन्होंने बना दिया है। तो ये पुल अब चूँकि आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर पेश कर रहा है। ये हेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम है। ये इसके बारे में यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, उस पर कुछ तफसील लिखी हुई है। देख सकते हैं इस वक्त हम हेड के नीचे खड़े हैं। ये आपको ऊपर हेड नज़र आ रहा है। तो मेरे साथ आतिफ भाई भी हैं, ये भी यूट्यूबर हैं मंगला के। तो इनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इनका चैनल भी विज़िट कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो पानी इस वक्त बहुत ठंडा है यहाँ पर, हमारे तो पाँव सुन्न हो रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी मंगला डैम का पानी जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वाकई बहुत ठंडा है। तो हम काफ़ी देर से इस पानी में खड़े हैं और हमारे पाँव अभी सुन्न होना शुरू हो गए हैं। तो अभी हम ऊपर जाते हैं तो आपको बाकी जगहों की सैर करवाते हैं। आपने भी अगर रोज़ा ठंडा करना हो तो एक बात ज़रूर इससे कहा है, मैं कहता हूँ कि आप 2 मिनट भी पानी में खड़े नहीं हो सकेंगे। जी तो दोस्तों, इस नहर में एक और खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो ग़ालिबन इसी बहाव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये ढलान बनाई गई है और इस ढलान के आगे फिर यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। तो इस तरह इस पानी का ज़ोर यहाँ पर आकर कम हो रहा है। तो ये इसी तरह की 2-3 ढलान इसी नहर के ऊपर बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आखिर में इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बाँटने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।